हमीरपुर के टौणी देवी में मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से 22 करोड़ 68 लाख रुपए के विकास कार्य के उद्घाटन के अलावा शिलान्यास किए। इस अवसर पर टौणी देवी के नव निर्मित तहसील परिसर में आयोजित कार्यक्रम के दौरान पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकुर, आईपीएच मंत्री महेंद्र सिंह के अलावा जिलाध्यक्ष बलदेव शर्मा, डीसी देवश्वेता बनिक, एसपी कार्तिकेय गोकुल चंद्रेन, एसडीएम हमीरपुर चिरंजी लाल चौहान, शिल्पी बेक्टा भी मौजूद रही। कार्यक्रम के दौरान कोविड-19 प्रोटोकॉल का विशेष ध्यान दिया गया और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने वर्चुअल माध्यम से जुड़कर टौणी देवी तहसील भवन के अलावा चार अन्य विकास कार्यों का शिलान्यास भी किया, जिसमें उठायु पेयजल, डुहुक पटलांदर एवं बलेट की मशीनरी का उन्नयन कार्य, सुजानपुर जंगल बैरी क्षेत्र में दो बाढ़ नियंत्रण योजनाएं व हमीरपुर में बनने वाली राजस्व विभाग की कॉलोनी का शिलान्यास किया। मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने कहा कि पिछले एक साल से उद्घाटन कार्य में देरी हो रही थी, जिसके चलते अब वर्चुअल माध्यम से ही उद्घाटन किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि 2,15,00,000 की लागत से बनी तहसील 24 पंचायतों के करीब 40,000 लोगों को लाभान्वित करेगी, जिसके लिए लोगों को भी इसकी बधाई है। मेरी इच्छा तो थी कि हम व्यक्तिगत रूप से वहां आकर के सब लोगों से मिलते और स्वाभाविक रूप से वहां आकर के इस कार्यक्रम का आनंद भी और तरह का होता, लेकिन पिछले कुछ अरसे से हम देख रहे हैं कि लगातार फिर मामलों में कोविड के मामलों में बढ़ोतरी हुई है। आदरणीय धूमल जी अभी कुछ दिन पहले शिमला आए थे और काफी विषयों पर हमारी जब आपस में बातचीत हुई उसमें आदरणीय धूमल जी ने जिक्र किया कि हमारी ये तहसील का भवन बन करके तैयार लगभग एक साल से है और इसका उद्घाटन कर लेना चाहिए और तिथि हमने निर्धारित उसी दिन की, उसी वक्त की, आज की। और आज मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि हम टौणी देवी का तहसील कार्यालय का विधिवत उद्घाटन करने की इस रस्म को पूरा कर रहे हैं। 2,15,00,000 की लागत से बनी ये तहसील भवन जो है, जहां 24 पंचायतों को लाभ दे रही है, लगभग 40,000 की पॉपुलेशन को भी जो एक अच्छे भवन की एक सुविधा उपलब्ध होगी। इसके लिए मैं सभी साथियों को और आपके इस विधानसभा क्षेत्र के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। प्रदेश में बढ़ते कोविड मामलों पर मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने चिंता जाहिर करते हुए कहा कि इस बार राष्ट्र स्तरीय होली मेला सुजानपुर में मनाने के लिए आना था, लेकिन कोविड के बढ़ते मामलों को देखते हुए मेलों और समारोहों पर रोक लगानी पड़ी, जिसके चलते अब ऐसी परिस्थिति में सभी लोगों से भी निवेदन करते हैं कि कोविड में एहतियात बरतें और स्वस्थ रहें। और होली के अवसर पर अब की बार हमने सोचा था कि आपके वहां पर आकर के होली मनाएंगे, लेकिन परिस्थितियां इस प्रकार से बन गई है जो पूरे देश भर में हम देख रहे हैं कि कोविड के मामलों में पिछले कुछ दिनों से बहुत तेजी से बढ़ोतरी हुई है और पिछले लगभग 20 दिनों से हम हिमाचल प्रदेश में भी देख रहे हैं कि लगातार कोविड के मामलों में बढ़ोतरी बहुत तेजी से हो रही है। पिछले कल भी 320 के लगभग मामले हिमाचल प्रदेश में आए और ये संकट हम उम्मीद कर रहे थे एक साल हो गया ये संकट समाप्त होगा, लेकिन अभी तक भी इस बात को हमको मान करके चलना पड़ेगा कि अभी तक भी संकट समाप्त नहीं हुआ, पर जो है वो रोक लगानी चाहिए और वो रोक हमने लगाई भी है, लगानी पड़ी, हम विवश होकर के कोई और रास्ता नहीं। तो ऐसी परिस्थिति में हम आपसे भी विनम्र निवेदन करना चाहेंगे कि हम उन सारी चीजों पर आप ध्यान रखें, इतना मैं जरूर कहना चाहता हूं। बाकी आप सब लोग स्वस्थ रहें इसकी मैं कामना करता हूं। पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि टौणी देवी में तहसील के पास शिलान्यास 2015 में हो गया था और उद्घाटन नहीं हो रहा था। उन्होंने मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का धन्यवाद करते हुए मेरे आग्रह पर वर्चुअल माध्यम से ही उद्घाटन किया है। उन्होंने कहा कि तहसील भवन बनने से हजारों लोगों को सुविधा मिलेगी। उन्होंने उम्मीद जताई है कि नया भवन और सुविधाएं मिलने से अब कर्मचारी अपनी अधिक शक्ति से काम को निपटा सकेंगे। टौणी देवी में तहसील के पास अकोमोडेशन बहुत कम था, इसलिए इसका निर्माण कार्य का शिलान्यास तो 2015 में हो गया और तैयार भी हो चुका था, लेकिन
विधिवत उद्घाटन ना होने के कारण मामला लटका हुआ था। मैं धन्यवाद देता हूँ मुख्यमंत्री जी को, क्योंकि 26 मार्च को उनका प्रोग्राम बहस चौहान पुराने का था, तो मैंने कहा अगर 26 को आप कार्यक्रम करें तो वर्चुअली हो जाए और इसका उद्घाटन हो जाएगा। तो उन्होंने बात मानी और उद्घाटन हो गया, अब लोगों को अर्पण कर दिया, तहसील बनी, ब्लॉक बना, ब्लॉक का अपना भवन था, तहसील का नहीं था, तहसील का बन गया। मुझे विश्वास है अब ज़्यादा अच्छी तरह से काम होगा, क्योंकि काम करने वाले पे उसका एटमॉस्फेयर क्या है, किस वातावरण में बैठा है, कैसा वातावरण है, उसके अनुसार वो काम करता है। अगर बंद कमरे में, अंधेरे कमरे में बैठा दो जहाँ हवा ताज़ी ना आती हो, तो काम करने वाला ना स्वस्थ रहता है ना अच्छा काम कर सकता है। अगर अच्छा काम करना है तो उसके लिए अच्छा वातावरण चाहिए। अब तहसील बढ़िया बढ़ गई, काम भी बढ़िया होना चाहिए। प्रदेश में हो रहे नगर निगमों के चुनावों में भाजपा बागियों के खड़े होने के सवाल पर पूर्व सीएम धूमल ने कहा कि नगर परिषद और नगर पंचायतों की तरह नगर निगमों में भाजपा अपना परचम लहराएगी। उन्होंने कहा कि जो बागी खड़े हैं वे या तो बैठ जाएंगे या फिर रिटायर हो जाएंगे। उन्होंने कहा कि कोविड के चलते प्रचार में उपस्थिति संभव नहीं है। उपस्थिति आपने देखी, उसके बाद परिषद हमारी बनी, कॉर्पोरेशन भी हमारी बनेगी। जो खड़े हैं, लोगों की इच्छा होती है, कुछ बैठ जाएंगे, कुछ रिटायर हो जाएंगे। जीतेगी भारतीय जनता पार्टी। प्रचार कहाँ करके, जलसा लोग तो इकट्ठे हो नहीं सकते, कोई जनसभाएं तो होगी नहीं।